जय हिंद क्लास सेकंड। आज हम करेंगे भाषा, हिंदी व्याकरण। व्याकरण का टॉपिक है आज हमारा भाषा, लैंग्वेज। भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, आपको मेरी भाषा समझ आ रही है ना कि मैं क्या बोल रही हूँ, इसे हम भाषा कहते हैं। मैम आपको कुछ वर्क सेंड करते हैं, नोट किया होता है और आप उसे पढ़ते हैं और उसे समझते हैं, ये क्या हमारी भाषा है। भाषा जो बोली जाती है और सुनी जाती है। अभी मैं बोल रही हूं और आप मुझे सुन रहे हैं। ओके क्लास। भाषा के भेद, मौखिक और लिखित। मौखिक मीन्स ओरल, लिखित मीन्स रिटन। मौखिक, मौखिक किसे कहते हैं? जो भाषा आपस में बातचीत करते समय प्रयोग की जाती है उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मैं अभी सिर्फ बोल रही हूं और आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, ये क्या हमारा मौखिक। जैसे आप मूवीज देखते हैं, समाचार सुनते हैं, ठीक है, ये आपका मौखिक में होगा। मौखिक, फिर से सुनेंगे आप, जो भाषा आपस में बातचीत करते समय प्रयोग की जाती है। जो भाषा आपस में बातचीत करते समय प्रयोग की जाती है उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में जैसे मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे लिखित भाषा, रिटन। लिखित भाषा, जो भाषा लिखने और पढ़ने में प्रयोग की जाती है, लिखने और पढ़ने में प्रयोग की जाती है उसको लिखित भाषा कहते हैं। जैसे आजकल अभी आपका वर्क, जैसे मैम आपको मैसेज के थ्रू भेज रहे हैं और आप उसे, उस मैसेज को रीड कर रहे हैं, आप उसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वो जो मैसेज है वो मैम ने आपको लिख कर भेजा है, ठीक है, मैम ने लिखा है और आप उसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे हम अपने फ्रेंड्स को लेटर भेजते हैं ना, पत्र लिखते हैं उन्हें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिखित, ठीक है, लिखित भाषा। एक बार फिर समझ लें, लिखित भाषा, जो भाषा लिखने और पढ़ने में प्रयोग की जाती है उसको लिखित भाषा कहते हैं। जो भाषा लिखने और पढ़ने में प्रयोग की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मैम बोर्ड पर लिख देते हैं और आप उसे पढ़ते हैं और अपनी नोटबुक पर लिखते हैं और उसे आप समझते हैं। लिपि, लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। किसी भाषा के लिखने के अक्षरों के समूह को लिपि कहते हैं। किसी भाषा के लिखने के अक्षरों के समूह को लिपि कहते हैं। किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की जरूरत होती है उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा को, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की जरूरत होती है उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। सारी भाषाओं के लिखने की लिपि अलग होती है। सारी भाषाओं के लिखने की लिपि अलग होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी गुरमुखी, उर्दू फारसी, ऐसे सभी भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं।
भाषा के माध्यम से हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक व लिखित। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण हमें बताता है कि भाषा का कौन सा रूप सही है और कौन सा गलत। क्लास मैं अभी आपको कुछ वर्क दे रही हूँ, वो वर्क आप अपनी नोटबुक पर करेंगे। खाली स्थान भरो। रेडियो सुनना भाषा का डैश रूप है। आप ये आंसर्स आप अपने आप करेंगे। भाषा के लिखने के ढंग को डैश कहते हैं। भाषा के डैश रूप होते हैं। क्लास आंसर्स आप अपने आप करेंगे और राइटिंग अच्छी बनाएंगे आप। जो भाषा आपस में बातचीत करते समय प्रयोग की जाती है उसको भाषा कहते हैं। डैश कौन सी भाषा कहते हैं आप अपने आप करेंगे। जो भाषा लिखने और पढ़ने में प्रयोग की जाती है उसको डैश भाषा कहते हैं। डैश के माध्यम से हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भारत की राष्ट्रीय भाषा डैश है। हिंदी भाषा की लिपि डैश है। भाषा के बारे में अपने माता पिता के साथ चर्चा करें। भाषा के बारे में आप अपने पेरेंट्स के साथ चर्चा करेंगे। आपको कितनी भाषाएं आती हैं? आपको कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? जो जो आपको भाषाएं आती हैं उस भाषा की आप बोलकर मुझे रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे या ऑडियो वीडियो कुछ भी सेंड कर सकते हैं आप मुझे। थैंक यू।